नमस्कार। जब तक आप टेक्निकल इंडिकेटर्स और प्राइस पैटर्न के साथ चार्ट का एनालिसिस करना शुरू नहीं करते हैं, तब तक केवल टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स जानने से आपको स्टॉक मार्केट में एक सफल ट्रेडर बनने में सहायता नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा करने से पहले यहाँ कुछ विशेष फैक्टर्स हैं जिन्हें आपको टेक्निकल एनालिसिस करते समय ध्यान में रखना होगा। इस वीडियो में हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिन्हें आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स और टूल्स की सहायता से चार्ट का एनालिसिस करते समय ध्यान में रखना चाहिए। पहला है ट्रेड सेटअप। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करने से पहले अपनी स्वयं की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या ट्रेड सेटअप बनाना महत्वपूर्ण है। टेक्निकल इंडिकेटर्स और पैटर्न का उपयोग करके एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी विकसित करें जिसे आप समझते हैं और जिनके साथ आप उनके सहज रूप से ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगला है स्टॉप लॉस। कोशिश करें कि आप प्रत्येक ट्रेडर में स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि इससे आपको अपने नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। आप पिछले दिन की कैंडलस्टिक के लोअर पॉइंट पर या अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यदि आप एक नए ट्रेडर हैं तो आप एक स्ट्राइकर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं जब तक कि आपका ट्रेड आपके कंफर्ट लेवल तक नहीं पहुंच जाता है। आप अपने ट्रेडों के लिए स्टॉप लॉस प्राइस तय करने के लिए इंडिकेटर्स की सहायता भी ले सकते हैं। अगला है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अपने ऑर्डर को प्लेस करने से पहले हमेशा रिस्क रिवॉर्ड टारगेट पुट करें। इससे आपको अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ चलने में मदद मिलेगी। अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वह है ट्रेंड के साथ ट्रेड करना। हमेशा याद रखें, टेक्निकल एनालिसिस के साथ स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते समय ट्रेंड आपका सबसे अच्छा दोस्त है। नौसिखिए ट्रेडर्स को विशेष रूप से ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि वह उनके लॉसेस को कम करने में मदद करेगा और मार्केट में प्राइस मूवमेंट को भी बेहतर तरीके से समझेगा। जब प्राइसेस अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रही हैं, तो व्यक्ति को स्टॉक में बाइंग पोजिशन लेनी चाहिए। जब ट्रेंड एक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में रिवर्स होना शुरू होता है तो स्टॉक से एग्जिट करना बेहतर होता है। इसी तरह जब प्राइसेस डाउन ट्रेंड में होते हैं तो व्यक्ति को सेलिंग पोजीशन लेनी चाहिए, और जब ट्रेंड डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में रिवर्स होना शुरू होता है तो स्टॉक से एग्जिट कर लें। ट्रेडिंग की यह टेक्निक आपको रिस्क को कम करने के साथ साथ आपके प्रॉफिट को बढ़ाने में मदद करेगी। अगला है मल्टीपल इंडिकेटर्स का उपयोग करें। यहाँ कई टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जिनका कोई व्यक्ति ट्रेडिंग करते समय उपयोग करता है। आइसोलेशन में किसी एक इंडिकेटर का उपयोग करना मिसगाइडिंग हो सकता है, और इसके साथ बहुत सारे इंडिकेटर्स का उपयोग करने से आपको निर्णय पर आने में मदद नहीं मिलेगी। इसलिए इंडिकेटर्स के एक कॉम्बिनेशन का उपयोग करें जो आपको मार्केट का रीजनेबल रूप से एनालिसिस करने में मदद करता है और आपको निर्णय लेने में मदद करता है। यह आपके ऊपर है कि आपको अपनी पसंद और कम्फर्ट के इंडिकेटर का उपयोग करना है। ट्रेड होराइजन और इंडिकेटर के अंतर्निहित लॉजिक की व्याख्या करना आपके कंफर्ट पर निर्भर करता है। अगला है लो पर खरीदें और हाई पर बेचें। टेक्निकल एनालिसिस करते समय किसी व्यक्ति को रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल पर ध्यान देना चाहिए। यदि स्टॉक सपोर्ट लेवल से रिवर्स हो जाता है तो किसी व्यक्ति को खरीद करना चाहिए और तब तक सेल करना चाहिए जब तक कि यह रेजिस्टेंस लेवल पर नहीं पहुंच जाता। अगला है ओवर ट्रेड न करें। याद रखें कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग जुए का खेल नहीं है। जब आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से एक ट्रेड नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो यह सबसे अच्छा है कि ट्रेड न करें और बस सही अवसर की प्रतीक्षा करें। यदि नहीं तो यह ट्रेड अंततः लॉस बनने में समाप्त हो जाएगा। अगला है उचित पोजिशन का साइज। अपना ऑर्डर प्लेस करने से पहले पोजिशन का साइज तय करें जो आपके मनी मैनेजमेंट स्किल और रिस्क एपेटाइट पर निर्भर करता है। इसके बाद अगला है अपने ट्रेडिंग प्लान से जुड़े रहें। ट्रेडिंग करते समय अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और सेटअप से जुड़े रहना बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बीच इमोशनल बायसेस को न आने दें। अंत में अपने लॉसेस से सीखना याद रखें। हमेशा अपने लॉसेस से सीखें। चार्ट का एनालिसिस करते समय यह देखें कि आप कहाँ गलत हो गए हैं और फिर इसे सही करें। यह आपको आपकी टेक्निकल स्किल को सुधारने के साथ साथ लॉसेस को कम करने में भी मदद मिलेगी। याद रखें कि किसी भी फील्ड में
प्रो बनने के लिए धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। इसी तरह टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करके चार्ट का एनालिसिस करने में एक प्रो बनने के लिए भी धैर्य की और कई वर्षों तक चार्ट का एनालिसिस करने के अनुभव की आवश्यकता होती है। स्टॉक मार्केट में सफल टेक्निकल ट्रेडर भी एक दिन में ही सफल नहीं हुए हैं, इसलिए चार्ट का एनालिसिस करते रहें और अपनी गलतियों से सीखकर अपनी टेक्निकल स्किल्स को अपग्रेड करते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Such representations are not indicative of future results.